सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की ताबड़तोड़ पूछताछ जारी है। सीबीआई आज एक बार फिर रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से सवाल जवाब करेगी। आज लगातार तीसरे दिन सुशांत के पिता से पूछताछ होगी। वहीं केस से जुड़े कुछ और लोगों को सवाल जवाब के लिए बुलाया जा सकता है। रिया के पिता से कल करीब 10 घंटे पूछताछ की गई। इसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह और केशव से भी सवाल जवाब का लंबा दौर चला। हालांकि पिछले 3 दिनों से रिया से सीबीआई ने कोई पूछताछ नहीं की है। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विकास सिंह का कहना है कि रिया के सुशांत की जिंदगी में आने के बाद उसकी मानसिक हालत खराब हुई। वहीं 2013 के वक्त बीमारी के सवाल पर विकास सिंह का कहना था कि उस वक्त सुशांत की तबीयत इतनी खराब नहीं थी। 2019 में रिया उनके जिंदगी में आने के बाद उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई और मानसिक स्थिति जो खराब हुई उसमें बड़ा क्लियरली एफआईआर में लिखा है कि वो बहुत घबराए रहते थे। घबराना का मतलब अंग्रेजी में एंग्शियस होता है, एंग्जाइटी होता है। मुंबई पुलिस में दर्ज बयान को लेकर भी विकास सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। विकास सिंह का कहना है कि परिवार ने दबाव में बयान दर्ज किया। पूरा बयान मराठी में था और सुशांत के परिवार को मराठी नहीं आती। विकास सिंह के मराठी वाले बयान पर रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने पलटवार किया है। मान शिंदे का कहना है कि अगर बयान दबाव में दर्ज किया गया तो ये बात सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं कही गई? और सुप्रीम कोर्ट में सील कवर में ये सब डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट्स मुंबई पुलिस ने हाजिर किया है। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में बोल सकते थे कि हमारे स्टेटमेंट्स गलत रिकॉर्ड किया गया है, प्रेशराइज करके गलत लिया है, तो बिलेटेड डिफेंस है ये सब। रिया के भाई शौविक के ड्रग्स कनेक्शन के तार जोड़ते नजर आ रहे हैं। आज तक को शौविक के ड्रग्स खरीदने की पुरानी चैट मिली है। इस चैट में शौविक ड्रग्स की मांग कर रहा है। वहीं ड्रग पैडलर जैद और बासित का जिक्र चैट में किया गया है। शौविक को आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। कल ईडी ने सुशांत के दोस्त और एनएसआई वेंचर्स में पार्टनर वरुण माथुर को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं सैमुअल मिरांडा को भी जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ड्रग पैडलर जैद ने मिरांडा के जरिए शौविक को ड्रग्स देने की बात कबूली है। आज तक को सुशांत के परिवार के मुंबई पुलिस को दिए गए बयान की कॉपी मिली है। सुशांत केस में तीनों बहनों के बयानों से बात सामने आई है कि सुशांत मानसिक तौर पर परेशान थे और हिंदुजा अस्पताल के डॉक्टर करसी चावड़ा से इलाज करवा रहे थे। बहन मीतू ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर में सुशांत ने परिवार से कहा था कि वो ठीक महसूस नहीं कर रहा है। इसके बाद हमारी दो बहनें नीतू और प्रियंका मुंबई आई और उसकी देखभाल की। मीतू ने बताया कि प्रोफेशनल जिंदगी में उतार चढ़ाव होने की वजह से सुशांत काफी परेशान थे। सुशांत की दूसरी बहन नीतू ने माना कि सुशांत डॉक्टर करसी चावड़ा से अपना इलाज करवा रहे थे। नीतू ने अपने बयान में कहा कि अक्टूबर 2019 में सुशांत ने परिवार से कहा था कि वो थोड़ा मायूस हो रहे हैं। करियर में उतार चढ़ाव से सुशांत परेशान थे। मार्च 2020 में लॉकडाउन की वजह से वो घर पर रह रहे थे, किताबें, कसरत और योगा कर रहे थे। सुशांत की तीसरी बहन प्रियंका ने अपने बयान में कहा कि 2013 में सुशांत ने परिवार को बताया कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं और जब हम लोगों ने समझाया तो वो उससे उबर गए। 2013 में सुशांत ने अंधेरी में एक मनोचिकित्सक से परामर्श भी लिया था। प्रियंका ने भी अपने बयान में कहा कि अक्टूबर 2019 में सुशांत ने परिवार को बताया था कि वो ठीक महसूस नहीं कर रहे, इसलिए डॉक्टर करसी चावड़ा से अपना इलाज करा रहे हैं। 4 जून 2020 को प्रियंका ने सुशांत को फोन किया। फोन पर सुशांत ने बताया कि वो 4-5 दिन से अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। इसके बाद मीतू सुशांत के घर गई और 4-5 रहने के बाद 12 जून को वापस गोरेगांव अपने घर चली गई। भारत और चीन के बीच आज एक बार फिर कमांडर स्तर की बातचीत हो सकती है। बुधवार को दोनों देशों के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही। सूत्र बताते हैं कि चीन पूरे मामले में जल्द से जल्द समाधान चाह रहा है। इससे पहले पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के पास भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प को हल करने के लिए मंगलवार को चुशूल में तीसरे दौर की बातचीत शुरू हुई थी।
लगातार दो दिनों से हो रही बातचीत में अभी तक कोई हल नहीं निकला है। चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत ने 118 मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाई है, जिसमें मशहूर गेमिंग ऐप पबजी भी शामिल है। ये तीसरी बार है जब हिंदुस्तान ने चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाया है। ऐप पर पाबंदी लगाते हुए सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया है। जून के आखिर में भारत ने टिकटॉक, हेलो समेत चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। बाद में जुलाई के आखिर में 47 और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस तरह अब तक चीन के 224 ऐप पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। अयोध्या में राम मंदिर का नक्शा पास हो गया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से दो नक्शे जमा किए गए थे, जिन्हें अयोध्या विकास बोर्ड मीटिंग में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इनमें से एक लेआउट 2,74,000 स्क्वायर मीटर का था, वहीं दूसरा मंदिर का नक्शा 12,879 स्क्वायर मीटर का था। टैक्स जमा करने के बाद दोनों नक्शे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिए जाएंगे। नक्शा पास होने के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर निर्माण की तैयारियों में जुट गया है। नींव की खुदाई का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। 5 एकड़ क्षेत्र के सटे जर्जर मंदिरों को गिराकर साफ करवाया जा रहा है। कई मशीनें मंदिर परिसर में पहुंच चुकी हैं। अयोध्या में एक बार फिर ऐसी रामलीला का मंचन होने जा रहा है, जिसमें सिनेमा जगत के बड़े बड़े अभिनेता अपना किरदार निभाएंगे। गोरखपुर के सांसद रवि किशन भारत की भूमिका में नजर आएंगे, तो दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और भोजपुरी अभिनेता और गायक मनोज तिवारी अंगद की भूमिका निभाएंगे। टीवी के मशहूर सीरियल रामायण में हनुमान का किरदार निभाने वाले दारा सिंह के पुत्र बिंदु दारा सिंह उनके जगह हनुमान का किरदार निभाएंगे। रामलीला की शुरुआत 17 अक्टूबर को होगी। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे में 78,000 से ज्यादा नए मामले सामने आने से कुल संक्रमितों की संख्या 37,70,000 के करीब पहुंच गई है, जिसमें से करीब 8,00,000 केस अब भी एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,08,000 के पार पहुंच गई है। वहीं आंध्र प्रदेश में मरीजों की संख्या 4,45,000 के करीब है। सरकार जल्द ही कुछ और स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए रेलवे गैर बीजेपी शासित राज्यों से संपर्क कर रहा है। राज्यों से बातचीत के बाद ही रूट तय किया जाएगा। फिलहाल कोरोना की वजह से सभी रेगुलर ट्रेनें स्थगित हैं। मुसाफिरों की आवाजाही के लिए 230 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज फिर सोशल मीडिया के जरिए अर्थव्यवस्था पर अपनी बात रखेंगे। इस दूसरी किश्त की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी। भारत की गिरती अर्थव्यवस्था पर राहुल गांधी लगातार आक्रामक हैं। इससे चंद रोज पहले भी उन्होंने देश की माली हालत पर मोदी सरकार की खिंचाई की थी। कोरोना संकट काल के बीच मनरेगा को शहरी इलाकों में लाने पर सरकार विचार कर रही है। इससे लॉकडाउन में बेरोजगार हुए शहरी मजदूरों को रोजगार मिल पाएगा। सरकार शुरुआत में इस योजना पर 35,000 करोड़ रुपए खर्च करने की सोच रही है। सरकार इस पर पिछले साल से ही काम कर रही है। अभी तक ग्रामीण इलाकों में ही मनरेगा के तहत मजदूरों को काम मिल रहा है। बिहार चुनाव से पहले वहां की राजनीति में आज नया मोड़ आएगा। आज जीतनराम मांझी एनडीए में शामिल होंगे। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने इसका ऐलान पहले ही कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम लालू प्रसाद के गलत चक्कर में पड़ गए। मांझी ने आरजेडी में भाई भतीजावाद का आरोप लगाया। पहाड़ों की रानी मसूरी में पहाड़ दरकने और फिर टूटकर धराशायी होने से रास्तों को भारी नुकसान पहुंचा है। गलोगी धार के पास पहाड़ों का मलबा और बोल्डर गिरने से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। कई मुसाफिर जो उस वक्त रास्ते पर थे,
उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। पीडब्ल्यूडी की टीमें जेसीबी की मदद से रास्ता खाली करने में लगी हुई है। केदार घाटी में भी मूसलाधार बारिश और भूस्खलन की वजह से करीब 12 मोटर मार्ग को नुकसान हुआ है, जहां खतरे को देखते हुए उन्हें बंद करना पड़ा है। पहाड़ टूटने की वजह से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता दुगलविटा को जोड़ने वाला वैकल्पिक मोटर मार्ग भी हफ्ते भर से बंद है। रास्ते खराब होने से कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। गुजरात के भरूच जिले में नर्मदा नदी का पानी छोड़े जाने से कई गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है। जिले के अंकलेश्वर और झगड़िया तहसील में फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सैकड़ों एकड़ में फसल बर्बाद हो गई है। गुजरात के पाटन में भी किसान बाढ़ से बर्बादी का रोना रो रहे हैं। सरकार का कहना है कि बाढ़ प्रभावित किसानों को सरकार ने मदद की है, लेकिन किसानों का कहना है कि सिर्फ 33% किसानों को ही फसल की भरपाई की गई है, जिसकी वजह से किसानों में नाराजगी बढ़ रही है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां उफान पर हैं। संगम के कई घाट भी बाढ़ में डूबे हैं। कुछ दुकानों और मकानों को भी बाढ़ ने अपनी जद में ले लिया है। छपरा में बाढ़ से हुई तबाही में खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में किसानों को जानवरों के लिए चारे का इंतजाम करना मुश्किल पड़ रहा है। कई किसान तो ऐसे हैं जो जानवरों का पेट भरने के लिए चारा खरीद कर खिलाने को मजबूर हैं। मथुरा में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 4 महिलाओं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होटल में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर के घंटाघर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। इसमें 13 जोड़े को हिरासत में लिया गया है। सभी अलग अलग होटलों में थे। पुलिस के मुताबिक बिना आईडी कार्ड के होटल में कमरे बुक किए जा रहे थे, यहां तक कि रजिस्टर में भी एंट्री नहीं होती थी। पुलिस ने कोरोना महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। सूरत साइबर क्राइम ब्रांच ने 2 नाइजीरियाई नागरिक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन शातिर लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा से करीब 2.25 करोड़ रुपए ऑनलाइन हड़प लिए। सूरत साइबर क्राइम ब्रांच ने क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। आरोपियों के पास से 10 मोबाइल फोन और 5 लाख रुपए नकदी बरामद हुए हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में निजी अस्पताल से इंसानियत को तार तार करने वाली घटना सामने आई है। शव देने के बदले अस्पताल ने 1 लाख रुपए की डिमांड कर डाली। 11 दिन पहले सड़क हादसे में एक शख्स घायल हो गया था, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा था। अस्पताल की तरफ से जल्द ठीक होने का आश्वासन दिया जाता रहा, साथ ही 4 लाख रुपए वसूल लिए गए। मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि मौत के बाद भी शव को नहीं सौंपा गया और 1 लाख रुपए मांगे गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरियाणा के फतेहाबाद में रिश्तों का कत्ल हुआ। 14 साल की बेटी से पिता की रेप करने का घिनौना मामला सामने आया है। बच्ची 4 महीने की प्रेग्नेंट मिली। पुलिस ने आरोपी पिता पर केस दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है। आगरा में आज तक की खबर का असर हुआ है और परेशान मां को उनका नवजात बच्चा वापस मिल गया। दरअसल डिलीवरी के बाद अस्पताल का बिल नहीं भर पाने के कारण डॉक्टरों ने बच्चा बेच दिया था और दंपति को कुछ पैसा देकर कोरे कागज में अंगूठा लगवा लिया था। बच्चों को बरामद करने के बाद पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि डॉक्टर ने बच्चा किसे बेचा, क्या पहले भी अस्पताल में ऐसा केस हुआ है। अगर आप कैश निकालने के लिए एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। कानपुर के एक बैंक के एटीएम में स्कैनर डिवाइस और हिडन कैमरा लगा हुआ था।
स्वरूप नगर में कैश निकालते वक्त एक युवक जालसाजों के इस साजिश को पकड़ा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने एटीएम एक्सपर्ट को बुलाया और मशीन को खुलवाकर जांच कराई। पुलिस ने एटीएम डिवाइस जब्त कर ली है और जांच की जा रही है। यूपी के कौशाम्बी में बमरोली एयरपोर्ट पर तैनात संविदा कर्मी की हत्या का पुलिस ने राजफाश कर दिया है। करोड़ों की संपत्ति के लालच में एयरपोर्ट कर्मी की हत्या उसके सगे बहनोई ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दी थी। हत्या के बाद शिनाख्त छुपाने के लिए शव को जलाने का प्रयास भी किया था। पुलिस ने जीजा समेत उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हत्या की वारदात में शामिल दो अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। मथुरा में यूक्रेन की रहने वाली नाबालिग विदेशी युवती से रेप का मामला सामने आया है। युवती अपने माता पिता के साथ बीते 5 साल से वृंदावन में रह रही है। पुलिस ने रेप के आरोप में पाकिस्तानी नागरिक आनंद को गिरफ्तार किया है, जो 16 साल से मथुरा के एक मंदिर में भजन कीर्तन करता है। आरोपी कराची का रहने वाला है, टूरिस्ट वीजा पर मथुरा में रह रहा है। जोधपुर के रामदेव नगर में 3 बहुओं ने मिलकर सास की हत्या कर दी, फिर फंदा बनाकर उन्हें फांसी पर लटका दिया, फिर सास के आत्महत्या करने की झूठी खबर परिजनों को दी, लेकिन पड़ोसी ने उनकी पोल खोल दी और पुलिस को सच बता दिया। इसके बाद पोस्टमार्टम हुआ तो बहुओं के झूठ का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने हत्या की आरोपी 3 बहुओं को जेल भेज दिया है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच भारतीय वोटरों को लुभाने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने हिंदू फॉर बाइडेन कैंपेन शुरू किया है। इसके तहत भारतीय मूल के लोगों को वोट देने के लिए मनाया जाएगा। पिछले हफ्ते ट्रंप की टीम ने भी ऐसा ही एक कैंपेन लॉन्च किया था। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि बीजिंग अपने परमाणु हथियार बढ़ाने जा रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने दावा किया था कि चीन अगले दशक में परमाणु हथियारों की संख्या को दोगुना करने की तैयारी में है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर इराक की राजधानी बगदाद पहुंचे हैं। मैक्रों द्विपक्षीय संबंधों पर इराक के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इराक के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। दुनिया में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। संक्रमितों की तादाद 2,59,00,000 के पार पहुंच गई है। वहीं इस बीमारी ने 8,61,000 से ज्यादा की जिंदगी छीन ली है। अमेरिका में कोरोना से बीमार मरीजों की संख्या 62,57,000 के पार पहुंच गई है। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या 39,52,000 से ज्यादा है। कोरोना वायरस की वजह से लगे प्रतिबंध के करीब 6 महीने बाद ईसाई धर्म गुरु पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी में आम दर्शकों से मुलाकात की। कार्यक्रम में 500 से ज्यादा लोग मौजूद थे, सभी ने मास्क भी पहन रखे थे। चीन के वुहान में बच्चों के स्कूल और किंडरगार्टन खोल दिए गए। पहले दिन स्कूल पहुंचे बच्चों का शानदार स्वागत किया गया। इस दौरान छात्र सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आए तो स्कूल प्रशासन की ओर से छात्रों को कोरोना से बचने को लेकर जानकारियां दी गई। हांगकांग में बड़े पैमाने पर हो रही नागरिकों की मुफ्त कोरोना टेस्टिंग को लेकर अब चीनी सरकार की नीयत पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल चीन हांगकांग में बड़े पैमाने पर कोरोना की टेस्टिंग कराना चाहता है, लेकिन हांगकांग के कई लोकतंत्र समर्थक नेताओं का कहना है कि इसके जरिए चीन हांगकांग के लोगों के डीएनए का रिकॉर्ड अपने पास जमा करना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।